हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगी अपने बचपन की बातें। जब हम लोग बचपन में थे, छोटे छोटे, तो हम लोग को पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी। और उस समय इतना स्कूल भी नहीं था और कोई पढ़ने की कोई साधन भी नहीं थी कि हम लोग अच्छा से शिक्षा प्राप्त कर सके। ये सब तो बात आप लोगों को मालूम ही होगा कि पहले और अब में बहुत अंतर हो गया है। जब हम लोग छोटे थे तो हमारा मतलब हम लोग दियर अच्छे तरह से पढ़ते हैं, मतलब बिहार तो एक पिछड़ा देश है ही, आप लोग मालूम है। और बिहार में भी शहर शहर की तरफ हम लोग नहीं रहते थे, हम लोग गांव देहात की तरफ रहते हैं। तो वहाँ स्कूल उस्कूल नहीं था, पढ़ने में बहुत हम लोग को दिक्कत होता था और हम लोग अच्छा से शिक्षा भी नहीं प्राप्त किए। जब हम लोग स्कूल जाते थे और 2 महीने 3 महीने पढ़ते थे, तब तक बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ आ जाती थी तो स्कूल बंद हो जाता था। रास्ता भी नहीं था कि हम लोग जाए, और पानी में हम लोग पौंड़ पौंड़ करके तैर तैर के हम लोग जाते थे, जिसको हम लोग पौंड़ पौंड़ बोलते हैं, मतलब तैर तैरते हैं उसमें। तो दोस्तों, एक बात आप लोग से मैं और बताना चाहूँगी, मुझे पानी में तैरना आता है। यदि कोई हमको ज़्यादा पानी में रख दे तो हम उसमें से तैर करके पार हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसको किसको तैरना आता है पानी में। मुझे तो आता है। और एक बात आप लोग से बताना चाहूँगी कि मेरे घर के पास में स्कूल नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, किसी किसी के द्वार पर जाते थे। कोई मतलब भैया या चाचा लगते थे, वो लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, तो हम लोग वहीं पर जाते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो क्या होता था कि 1 महीना वो भैया पढ़ाते थे और उसके बाद वो किसी और के घर पढ़ाने चले जाते थे और बस छोड़ देते थे। और उस समय फीस आप लोग को सुनेंगे कि कितना फीस था, तो आप लोग मतलब चकित रह जाएंगे कि इतना कम फीस था मतलब। लेकिन उतना भी पैसा लोग के पास नहीं हो मतलब होता था कि अपने बच्चों को लोग पढ़ा पाए। जब हम लोग छोटे थे और हम जब ट्यूशन पढ़ते थे तो मात्र मेरा ट्यूशन फीस कितना था, 10 रुपया। आप लोग सुन करके चकित रह जाएंगे कि हाँ 10 रुपया, लेकिन 10 रुपया उस समय मायने रखता था। तो हम लोग जब ट्यूशन पढ़ने जाते थे तो 1 महीना में हम लोग को 10 रुपया देना होता था। तो उस समय उतना भी पैसा नहीं हो पाता था कि हम लोग मतलब महीना के अंदर अंदर हम लोग 10 रुपया दे दें। तो सर बोल रहे थे कि तुम लोग अपना ट्यूशन फीस जमा कर दो। तो हम लोग कहते थे कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे। तो गुस्सा होकर कहते थे हम नहीं पढ़ाएंगे। तो हम लोग बोल रहे थे कि सर पढ़ाइए ना, दे देंगे ना। तो फिर पढ़ाने लगते थे, फिर 1-2 महीना हम लोग पढ़ते, फिर हम लोग कोचिंग छूट जाती थी, कहीं दूसरा जगह सर पढ़ाने चले। उस समय मतलब शिक्षा की बहुत अभाव थी और कोई मिल नहीं रहा था पढ़ने और पढ़ने वाले तो बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं होता था। तो उसी में एक थे, एक बार कलेक्टर सर थे, तो हम लोग को पढ़ा रहे थे। तो हम जाते थे किसी और के द्वार पर पढ़ने के लिए, उसके बाद ट्यूशन व्यूशन पढ़ते थे थोड़ा बहुत वैसे ही। फिर स्कूल भी सरकारी स्कूल तो ज़्यादा थे, प्राइवेट स्कूल तो था ही नहीं उस समय, बहुत ही कम था। तो हम लोग सरकारी स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो उसी में किताबें मिल जाता था, खाना भी मिल जाता था, उसी में खा लेते थे और पढ़ते थे। नहीं, पहले उतना खाना नहीं मिल
मिलता था स्कूल में। बाद में एक सब खाना वाना मिलने लगा है। पहले स्कूल में खाना नहीं मिलता था। हम लोग के घर के बगल में एक रूपचा जाते थे, रूपचा पे कोई स्कूल था, उसी स्कूल में पढ़ते थे। तो हम लोग जाते थे तो उधर पढ़ते थे और क्या करते थे, अपना जो जो वास्ता बोलते थे, मतलब कॉपी किताब लेके जाते थे, झोरा में लेके जाते थे, बोरी का झोरा सील करके उसी में लेके जाते थे पढ़ने के लिए। बैग भी, अब तो बच्चे लोग बैग भी लेके जाते हैं, पहले बैग नहीं था मतलब। और झोरे का जो बोरी का जो झोरा हम लोग मशीन पर सिलवा कर या सील करके उसी पर, मतलब उसी में अपना वास्ता रख करके लेके जाते थे। तो क्या करते थे कि दिन भर मतलब वहाँ पर पढ़ते, 10 बजे से 12 बजे 1 बजे ले पढ़ते थे। जब टिफिन होती थी तो हम लोग वहाँ से स्कूल से घर आते थे खाना खाने के लिए। टिफिन वगैरह नहीं लेके जाते थे तो घर पर आते थे खाना। तो यहीं पर बच्चे थे, खेलने उलने में लग जाते थे और स्कूल जाना भूल जाते थे, अपना खेलने कूदने में लग जाते थे, स्कूल जाना भूल जाते थे। फिर जब हम लोग को याद आता था 2-3 घंटे बाद वो कि हम लोग को स्कूल भी जाना है, वास्ता तो वहीं पे है, तो फिर हम लोग जाते थे। तो हम लोग का वास्ता वहाँ पे जीवित हो जाता था, सर नहीं देते थे। और नहीं तो क्या करते थे कि हम लोग के यहाँ बड़ा ऊँख बहुत होता है, जिसको ईंख बोलते हैं, हम लोग ऊँख बोलते हैं भोजपुरी। तो हम लोग ऊँख तुर करके खाने लगते थे और खेलने लगते थे। तो जाते थे तो सर बड़ा गुस्सा होते थे, वास्ता वगैरह हम लोग को नहीं देते थे। तो हम लोग छोड़ करके वास्ता वहीं पर चले जाते थे, फिर खोल जाते थे। तो हम लोग को दो छड़ी, 3-3 छड़ी लगता था, तो हम लोग को वास्ता मिलता था। फिर हम लोग पढ़ने 2-3 दिन रेगुलर जाते थे, फिर वही था। तो दोस्तों अपनी बचपन की कहानी आज मैंने बताई, ये सिर्फ मतलब पढ़ने लिखने के बाद। और मैं बस वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलूँगी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही अपने बारे में मैं कल बताऊँगी।